नमस्कार, भारतीय साहित्य में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्यवान सावित्री पद नंबर 16 से 18 तक। और इससे पहले जितने भी पद हैं 1 से लेके 15 तक, वो मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे तो आपको PDF भी उसकी उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं। पद नंबर 16 इसका आरी बहु दिल प्यारी, और अंत है इसका इस भाग जले नौ से टोकर खाली। शब्दार्थ ये पत्थर कंकड़। पद नंबर 16 की व्याख्या करते हैं। सत्यवान की माँ सावित्री से कहती है कि आ मेरी पुत्र वधु, मैं अपना स्नेह भरा आशीष तुम्हारे सिर पर रख दूँ और मैं तुम्हें अपने गले से लगाकर तुम्हें अपनी पुत्री की भांति प्रेम करूँ। बहु तुम्हारा कंचन जैसा अर्थात सोने जैसा रंग है जो धूप में चमचमा रहा है। अब तो मेरे पति ने भी इस विवाह हेतु स्वीकृति दे दी है और उन्होंने तुम्हारे सिर पर प्रेम भरा भी रख दिया है। हमारे अब वह दिन तो चले गए जब मैं अपनी पुत्र वधु को फूलों की भांति रखती। वह दिन तो ईश्वर ने हमसे छीन लिया, परंतु आज है कि ईश्वर ने तुम जैसी पुत्र वधु भेजकर बड़ी मेहरबानी की। तुम्हारा रूप देखकर ऐसा लगता है कि मैंने सब तीर्थ कर लिए हो। तुम जितनी सुंदर हो लाखों में एक हो। बहु तुम्हारा रूप तो सुंदर ही है, ही इसके साथ साथ तुम विचारवान और बुद्धिमान भी हो। तुम्हारे बोल अर्थात वचन कानों को बड़े मधुर प्रतीत होते हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने वे दिन याद आ गए जब हम सुखी थे, और उस दुखी घड़ी का तो पूछो ही मत जो अत्यधिक कष्टकारी थी। लक्ष्मीचंद कहते हैं कि अब पुरानी बातों को दोहराते का कोई अर्थ नहीं है, अब दुख की घड़ियाँ भूलकर वर्तमान के सुख को देखना है। सत्यवान की माँ कहती है कि यह तेरे ससुर हैं जो इन्होंने अपने दुर्भाग्य के कारण जीवन में 100 से भी अधिक ठोकरें खाई हैं। अब बात करते हैं पद नंबर 17 की, जिसकी शुरुआत है शादी करी मेरे पुत्र की, और अंत है जिनने नाम हर के रट लिए। इसकी व्याख्या करते हैं। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो जाता है। शादी की सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद जब राजा अशुपति चलने के लिए आज्ञा मांगते हैं तो द्युमत सेन राजा अशुपति से कहते हैं कि मेरे पुत्र का विवाह होने से जैसे मेरे जीवन की सारी दरिद्रता हट गई। ऐसा लगता है कि मैं जो ईश्वर की भक्ति करता था आज ईश्वर ने मेरी सुन ली। कुछ आपके दया से हमारे सारे दुख दर्द घट गए। तुम्हारे तो ईश्वर ने राजपाट सब दिया हुआ है, जबकि वर्तमान में मैं कंगाल था क्योंकि मेरा राजपाट सब छीन चुका था। आज मेरी इच्छा है कि मैं संसार के घर घर जाकर अपनी खुशियाँ बांटूं। द्युमत्सेन राजा अशुपति से कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आज मुझे अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का फल प्राप्त हुआ है। आज लग रहा है कि मेरी तपस्या और नाम स्मरण के कारण मेरे पुण्य कर्मों ने जैसे मेरे पापों के पीछे छोड़ दिया। लक्ष्मीचंद कहते हैं कि इस कर्म का फल अवश्य मिलता है, वह चाहे अच्छे कर्म किए हों अथवा बुरे, उनका फल जीवन में कभी ना कभी तो मिलता ही है। और जिन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग पता चल चुका है कि स्मरण से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, उन्हें यह कार्य करके इस संसार के जन्म मरण से ही मुक्ति पा ली है। पद नंबर 18 पिता के गए पै गहने वस्त्र आपे तार लिए, डूबती नैया तू अधर उभार लिए। इसकी व्याख्या करते हैं। अपने पिता महाराज अशुपति के जाने के बाद सावित्री ने अपने सारे गहने उतार कर अपनी सास को दे दिए और कहा कि इन्हें संभाल कर रख लीजिए। कीमती वस्त्र और गहनों से अब मुझे कोई मोह नहीं रहा और न ही इन्हें पहनने की मेरी कोई विचार है। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, अर्थार्थ मुझे ज्ञान हो गया है कि धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। इन सांसारिक गहनों वस्त्रों से भी ऊपर घास फूस की जड़ में रहते हुए कभी भी आग से प्रेम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार इस तपस्वी जीवन में इन गहनों वस्त्रों को धारण करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ ऋषि के आश्रम में रहते हुए मुझे कोई श्रृंगार नहीं करना, मैं भी उस प्रकार अपने जीवन को जीऊँगी जिस प्रकार आप जीते रहते हो। यह कहते हुए सावित्री ने सभी ने भी अपने सास की भांति साधारण वस्त्र धारण कर लिए। सावित्री अपने सास ससुर एवं पति की नियमित सेवा करती, उसकी सास भी उसे अपनी पुत्री की भांति प्रेम करती और उसका पति भी उसको प्रेम करता। उन साधारण वस्त्रों में भी वह अत्यधिक रूपवती दिखती थी। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सौम्यता थी जो गुंगरले केशों के मध्य ऐसा लगता था जैसे बादलों के मध्य चंद्रमा। सावित्री बड़ा ध्यान लगाकर ऋषि मुनियों के उपदेश सुनती तथा स्वयं भी दिन रात अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखते हुए भजन करने लगी। सावित्री मन ही मन सोचती रहती कि कब ईश्वर की दया उस पर होगी, क्योंकि उसके मन में नारद द्वारा कही गई बात घूमती रहती थी कि उसके पति का जीवन सिर्फ 1 वर्ष शेष है। इससे वह मन ही मन भयभीत भी रहती थी और चाहती थी कि ईश्वर की दया हो जाए और उसके पति की आयु लंबी हो जाए। सावित्री इसके विषय में किसी से कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन फिक्र करती रहती है। वह स्वयं को सास ससुर और पति की सेवा में समर्पित कर आनंद की प्राप्ति करती है, परंतु इस आनंद प्राप्ति के मध्य भी उसके मन में नारद की बात खटकती रहती है। सावित्री ईश्वर से कहती है कि तीनों लोक के परमेश्वर तुम मेरे जीवन का उद्धार करो। लक्ष्मीचंद कहते हैं इस धरती पर बड़े से बड़े प्रतापी धनवान
धनवान राजा हुए हैं जिन्होंने अपने धन संपत्ति चले जाने पर भी अपने जीवन का गुजर बसर किया। बहुत सी माताएं पुत्र बिना भी रह गई हैं और बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अनिसंतान रह गई हैं। लक्ष्मीचंद कहते हैं कि ईश्वर ने जिसे जिस प्रकार रखना चाहा उसी प्रकार रखा है, किसी को भी धनी तो किसी को निर्धन। वहीं सावित्री चिंताग्रस्त थी कि ऋषि मुनि नारद के कहे अनुसार तो अब उसके पति के जीवन के केवल 4 दिन ही शेष बचे थे। सावित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, तू मेरे इस डूबती नैया को सहारा दे और किनारे पर लगा दे, अर्थात ऐसा कोई उपाय सुझा दो कि मैं अपने पति को दीर्घायु कर सकूं। तो ये था पद नंबर 16 से 18। अगर इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलती तो आप कमेंट कर देंगे तो आपको मिल जाएगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले पद अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।